दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं और एक कमेंट वैसे कई लोगों का पहले भी आया था तो मैं माफी चाहता हूं उनसे मैं ले नहीं पाया, लेकिन आज मैंने जिनका कमेंट लिया है वो है नवीन गेमर जी और ये लिख रहे हैं, हेलो सर, मेरे पास गिरलैंडो 8 मंथ की काफ है, उसे मोटा तगड़ा कैसे करूं प्लीज। देखिए नवीन जी, और आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास गिरलैंडो जो कि गिर और होलिस्टीन की मिक्स है और बहुत अच्छी आजकल चल रही है, दूध में भी अच्छी, इम्यूनिटी में भी अच्छी, एड टू मिल्क, तो सारी चीजें उसमें अच्छी है, तो वह अगर आप कोई काफ उसका प्राप्त कर लिया है आपने और उसे मोटा तगड़ा करना चाहते हैं तो भाई आपको विशेष सजग होना पड़ेगा। और विशेष सजग होकर के आपको करना क्या क्या है मेरी पूरी बातें सुनिए। अब आप कह रहे हैं कि सर 8 महीने की हो गई है, भाई बचपन में जब जो छोटी थी उस समय आपने, उम्मीद करता हूं कि अच्छा दूध उसे पिलाया होगा, कोलेस्ट्रॉल अगर अच्छा पिलाया है तो वो उसको जीवन भर इम्यूनिटी देगा। और दूध शुरुआत में जो वजन का 10% पिलाते हैं पूरे दिन में, अगर वो पिलाया 3 महीने तक तो आपने बहुत अच्छा किया। इसके अलावा अब वो 8 महीने की हो गई है और आप उसको कुछ तैयार करने के लिए कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या देंगे, मेरी बातें पूरा गौर से सुनिए। नंबर वन, क्या आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवाई है, अपने आप से पूछिए। डिवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक ये एक ऐसा विषय है मैं हर बार बताता हूँ और आप कहोगे कि सर क्या ये तो रोज ही बताते हैं। जी हाँ, ये जितना मैं बार बार बोलता हूँ ना उतना ही ज़्यादा ये विषय इम्पोर्टेंट है। तो नंबर वन काम आपको करना है और वो करना है डिवॉर्मिंग, और डिवॉर्मिंग के साथ लीवर टॉनिक ये दोनों जुड़े हुए हैं। आपको पता है डिवॉर्मिंग जब भी करवाई जाती है 10 दिन तक लीवर टॉनिक देना ही होता है, ये जरूरी होता है। ये काम आपने कर दिया तो सेकंड वर्क पर आइए, और सेकंड वर्क क्या है और वो है संतुलित आहार। यहां कई लोग जो है वो गलतियां करते हैं, संतुलित आहार यहां पर मिस्टेक होती है, संतुलित आहार नहीं देते। जो हमने काफ स्टार्टर बनाने का एक विधि बताई थी मोहन, वो काप स्टार्टर वाला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना ना, जो डीडी रामाव चैनल का है। तो काप स्टार्टर बनाने की जो विधि बताई थी उसमें वो काप स्टार्टर जो है वो संतुलित है। और थोड़ा सा मैं यहां आपको बता दूं कि संतुलित का मतलब ये होता है कि जिसमें अनाज जो भी आप ले रहे हैं, मेनली हम अनाज लेते हैं मक्का, मक्का बहुत अच्छा है, उसको पिसवा लीजिए, दलवा लीजिए। तो मक्का अगर आप अनाज जो भी ले रहे हैं, चाहे मक्का ले रहे हैं, जो ले रहे हैं, बाजरा ले रहे हैं या गेहूं ले रहे हैं, जई या ज्वार कोई सा भी आप ले रहे हैं, तो अनाज जो है वो कम से कम 40% अनाज आप रख सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए खल भी जरूरी है, यानी प्रोटीन का सोर्स खल या चूरी जो होती है वो भी जरूरी है। तो खल अगर मैं बात करूं तो आप कम से कम 25% आप खल मिला सकते हैं, अगर मैं चूरी की बात करूं तो 15% आप चूरी भी मिला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चोकर दे सकते हैं, आप दालें अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप ऐड कर सकते हैं अपने यहां पर उपलब्धता के हिसाब से और खर्चे के हिसाब से, लेकिन ये जो चीजें हैं ये तो आपको देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपको इसमें मिनरल मिक्सर ऐड करना पड़ेगा। मिनरल मिक्सर किसी भी कंपनी का ले लीजिए जिसमें ज़्यादा विटामिन मिनरल हो, तो वो मिनरल मिक्सर आप ऐड कीजिए, मात्र 10 से 20 ग्राम, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है मिनरल मिक्सर की, छोटे बच्चों के लिए 10 से 20 ग्राम आप मिनरल मिक्सर ऐड कीजिए। इसके अलावा नमक, जी हाँ नमक जो है वो इसका हिस्सा भी आपको 1% रखना है। इसके अलावा आप जो बड़े नमक के पार्टिकल आते हैं, सेंधा नमक, काला नमक, उसे चाटने के लिए भी रखिए, फिटकरी को चाटने के लिए रखिए, मिन ब्लॉक आते हैं बड़े बड़े वो भी चाटने के लिए रखिए, पानी उसे खूब पिलाइए, अच्छा पानी, सर्दी का मौसम तो हल्का गर्म पिलाइए, गर्मी का मौसम तो हल्का उसको आप ठंडा करके पिलाइए, तो ये बहुत ही शानदार रहता है। तो ये मैनेजमेंट जो सेकेंड संतुलित आहार वाला है ये आप जरूर कीजिए। अब एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा और वो है फ्रेंड यीस्ट पाउडर। बहुत सारे यीस्ट पाउडर मार्केट में मिलते हैं। देखो इधर से तो रूमन का विकास हुआ, तो रूमन का जो ही विकास हुआ तो प्रॉपरली क्या है वो जो भी खाती है ना वो पचा नहीं पाती, और नहीं पचाने की वजह से दिक्कतें होती है, वो अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाती और हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसके लिए तीसरे नंबर पर मैं लिखूंगा और वो है फ्रेंड यीस्ट पाउडर, जो बहुत सारी कंपनियों के आपको मिल जाएंगे। ये आपको 10 ग्राम रोज, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है और कम करो तो 5 ही कर लो चाहे, तो 5 से 10 ग्राम जिस कंपनी का आप ले रहे हैं उसके हिसाब से देख लीजिएगा, 5 से 10 ग्राम यीस्ट पाउडर आप जरूर मिलाइए ताकि वो जितना भी खाएगी उसे अच्छा पचाएगी
और जब अच्छा पचेगा तो भाई श्योरली वो मोटी तगड़ी हो जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, मोटा तगड़ा करने के लिए तेल वगैरह पिलाते हैं, तो प्लीज़ उनका सहारा मत लीजिए। आप जो मैंने चीज़ें बताई है वो संतुलित आहार दीजिए, ये दीजिए और ये कीजिए। नमक फिटकरी वाली बात है उसको भी आप याद रखिए, पानी वाली बात को आप याद रखिए, मैनेजमेंट अच्छा कीजिए, जहाँ तक हो सके उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जो भी आप मिनरल मिक्सर दे रहे हैं उसमें देखिए क्या विटामिन ए है, क्या सी है, क्या उसमें जिंक है, क्या कॉपर है, क्या कोबाल्ट है, क्या आयरन है, क्या आयोडीन है, क्या उसमें सभी घटक है। तो है इसका मतलब आपके हीपर के लिए, आपके काप के लिए वो बहुत शानदार है और आगे जाकर के बहुत अच्छी हीपर बनेगी, समय पे वो गाभिन हो जाएगी और बहुत अच्छा बच्चा भी आपको देगी और दूध तो भाई नो डाउट शानदार देना। इसके अलावा हाँ, अगर आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हर महीने की 5 तारीख से हमारा जो डीडी रामावत चैनल है उनके द्वारा रामावत एनिमल ऐप पर जो आपको प्ले स्टोर से मिलेगा 1234 OTP है और वहां जाकर के आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं।